स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 वाव साइंस का, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले भी हमने कुछ कुछ स्टडी किए थे इसके इफेक्ट, जो 7th क्लास के थे। आज हम 8th क्लास के स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी में और दूसरे लिक्विड्स में कैसे होती है उसके बारे में, यानी कि पानी में करंट कैसे आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं पानी और दूसरे लिक्विड्स। तो जैसे हमने स्टडी किया हुआ है कि जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर आयन्स ही नहीं है। जब उसके अंदर आयन्स होंगे, कुछ डिसॉल्व सॉल्ट होंगे, इम्प्योरिटीज़ होंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जो टैप वाटर है उसके अंदर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ और सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। Why it is advised not to touch electrical appliances with wet hands? यानी कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि गीले हाथों से किसी भी बिजली से चलने वाली चीज़ को मत छुओ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मत छुओ। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पानी होता है, वाटर फ्रॉम आवर हैंड्स, वेट हैंड्स कैन ईजिली रीच द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द अप्लायंस, यानी कि अप्लायंस के इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पानी हमारे हाथों से बहुत जल्दी जा सकता है। और हमें पता है कि पानी के अंदर सोल्ट है और आयंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और हमें शॉक लग जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इट डज़ नॉट ईजिली हैपन टू आवर हैंड्स आर ड्राई, ऐसा नहीं होता जब हमारे हाथ सूखे होते हैं, यानी कि ड्राई होते हैं। जब पानी लगा हो तब हमें जो है शॉक लग सकता है, तो इसलिए हमें उनको नहीं छूना चाहिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट, डू ऑल लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे लिक्विड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एसिडिक सॉल्यूशन है, एल्कलीज हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस बोल सकते हैं इनको, ये हम आगे भी स्टडी करेंगे। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करने की ज़्यादा कुछ नीड नहीं है, बस जस्ट रीड इट आउट। नेक्स्ट हम करेंगे लिक्विड्स को, ऑयल और अल्कोहल, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट क्या होता है इम्प्योरिटीज़ का। तो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन प्योर वाटर और टैप वाटर फॉर्म आयंस, यानी कि जब हम सॉल्ट जैसी चीज़ों को प्योर पानी में घोल सकते हैं या फिर टैप वाटर ले लेंगे, तो उसके अंदर आयंस होंगे विच मेक इट पॉसिबल टू एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट में होते हैं आयंस, जैसे ये है सोडियम क्लोराइड, ये है हमारा सॉल्ट, जो कि जिसको हम पानी में घोल देंगे तो वो सोडियम और क्लोराइड में टूट जाएगा, यानी कि वो घुल जाएगा, उसमें सोडियम के आयंस होंगे और क्लोरीन के आयंस होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। एक एक्वस सॉल्यूशन होता है पानी वाला सॉल्यूशन, एक्वा। आयंस आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी चार्ज। आयंस वो एटम्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। अब आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कटाइंस होते हैं जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, एक अनायंस जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं एन और एन, एन जो है वो नेगेटिव से रिलेटेड है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जब हम कॉमन सोल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं तो वो दो में टूट जाता है, सोडियम और क्लोराइड में। इसी वजह से जो सोल्ट वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और प्योर वाटर नहीं कर सकता। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक लिक्विड की हम बढ़ाया घटा सकते हैं, जैसे जैसे हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा जाने लगेगी, और जैसे ही हम उसको कम कर देंगे तो वो कम हो जाएगी। ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन किस प्रकार का बनाया है हमने, इलेक्ट्रोड्स फॉर पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम उसमें इलेक्ट्रोड्स भी डाल सकते हैं। इसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड्स वाला सॉल्यूशन कैसा होता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखेंगे कि आयंस और कटायंस की फ्लो, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, एक बैटरी कैसे काम करती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये डायग्राम देखिए, इसमें हमें अरेंजमेंट है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें दो टाइप की मेटल प्लेट्स हैं, बैटरी है, दो टाइप की मेटल प्लेट्स ये हैं, ये हमारी बैटरी हो गई, यानी कि एक सेल छोटा सा,
टू पीसेज ऑफ वायर, यानी कि दो वायर्स हैं हमारे पास, टू बीकर हैं, दो बीकर हैं हमारे पास, एंड एन एक्वस सॉल्यूशन, और एक एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, एक अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सच सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर होने वाले रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन। अब इसके अंदर क्या क्या है, देखो एनायंस होंगे एनोड पे, हमने एनोड स्टडी किया था, एनोड मीन्स नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आ जाएंगे एनोड पे, और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, ये ध्यान रखना है, कैथोड पे आएंगे कटायंस, देखो ए ए सी सी, इस तरीके से कैथोड कटायन एनोड एनायंस। तो जहाँ पे पॉजिटिव होगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज, देखो, क्योंकि अगर चार्जेज एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर वो अलग अलग होंगे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, नेगेटिव है तो इसके पास हमें पॉजिटिव कैटायंस दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से होता है ये। तो एनोड इज़ एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड जो है वो एक इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होता है बैटरी के। इट रिसीव नेगेटिव चार्ज आयंस, तो इस पर जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं एनायंस वो आ जाते हैं। एनायंस हमने पहले स्टडी किया था, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से। दे आर अट्रैक्टेड टू एनोड, ये इलेक्ट्रिक जो एनोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। सेम ऐसे ही कैथोड के साथ होगा, कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। इट रिसीव पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे जिसको हम बोलेंगे कटायंस। अब देखो कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं जो हमने स्टडी किया था, जब वे एक जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का जो डेफिनेशन, और या फिर इसका एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। तो देखो ये बात बताई गई है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर ऑपोजिट चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को, यही बात इसमें दिखाई गई है। तो ये मूवमेंट होता है आयंस का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो हम यूज़ करते हैं बैटरीज में, यानी कि ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस।